स्टेट फुल एप्लीकेशन होती है स्टेटफुल फुल एप्लीकेशन जो एप्लीकेशन द स्टोर स्टेट फ्रॉम द क्लाइंट रिक्वेस्ट ऑन द सर्वर जो क्लाइंट की रिक्वेस्ट आती है वो उसमें से कुछ इंफॉर्मेशन सर्वर पे स्टोर कर ली जाती है फॉर एग्जांपल क्लाइंट जब लॉग इन करता है तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन के कौन यूज़र है उसके वो इंफॉर्मेशन रख ली जाती है ठीक है जी एंड दैट स्टेट इज यूज टू प्रोसेस फर्दर रिक्वेस्ट अगली बार जब रिक्वेस्ट आती है तो आपको पता होता है कि जी ये किस क्लाइंट की तरफ से आई है और वो क्या कर सकता है फॉर एग्जाम्पल किस चीज़ पे ऑथोराइज है क्या है वगैरह वगैरह तो वो अगर आपके पास वो स्टेट क्लाइंट की वो पड़ी होगी तो फिर आप ये कर सकते हैं अगर वो स्टेट पड़ी नहीं है तो आप ये चीज़ नहीं कर सकते सो uh, so, ये इसका uh, एक बेनिफिट है इसका ये स्टेटफुल चीज़ों का है कि आपको इंफॉर्मेशन आप एक बार स्टोर करके रख लेते हैं अदरवाइज हर रिक्वेस्ट के साथ आपको ये इंफॉर्मेशन भेजनी पड़ेगी सो स्टेटफुल एप्लीकेशंस दे डोंट नीड टू मेक अ कॉल टू डीबीट सेकेंड टाइम जब आपको कुछ चीज़ आती है तो उसको करने के स्टेटफुल एप्लीकेशंस फायदे भी हैं इसमें ए आपकी छोटी रहती है परफॉर्मेंस के कुछ इसमें एडवांटेजेस हैं बिकॉज़ आपके पास एक बार इंफॉर्मेशन है आपको बार बार वो उसको करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कुछ इसके नुकसान भी हैं और जब यूज़र्स बहुत बढ़ जाएं तो फिर स्टेटफुल एप्लीकेशंस जो हैं वो ज़रा थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाती हैंडल करने में इनके नुकसान क्या हैं लोड बैलेंसिंग एंड स्केलेबिलिटी स्केलेबिलिटी का क्या कॉन्सेप्ट है कि आपके पास एक एप्लीकेशन है आपने उसके मल्टीपल कॉपीज़ आपने बना दी लेट्स एक मैकेनिज्म स्केलेबिलिटी का मिरर आपने कर दिया कि एक ही एप्लीकेशन है उसकी दस कॉपीज़ आपने बना के रख दी तो दस पीछे सर्वर्स उसके साथ लगा दिए या अगर एप्लीकेशंस मल्टीपल कॉपीज नहीं बनाई तो सर्वर दस लगा दिए तो जो रिक्वेस्ट क्लाइंट की तरफ से आ रही हैं वो मुख्तलिफ़ सर्वर्स पे राउट हो रही हैं डिपेंडिंग अपॉन किस सर्वर पे कितना लोड है जिस पे लोड बढ़ गया दूसरे पे चले गई एनस एन सर्वर अब स्टेट फुल के साथ इशू क्या होगा स्टेट फुल के साथ इशू जो होगा कि आपकी पहली रिक्वेस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल आपने लॉग इन किया तो यूज़र की जो बेसिक इंफॉर्मेशन है जो उसे मेनटेन करनी है वो सर्वर वन पे वो रिक्वेस्ट चली गई उसको वहाँ पर उसने सेव कर लिया अब अगली कुछ काम करने की रिक्वेस्ट आती है क्लाइंट की तरफ से और यहाँ से जो आपका जो लोड बैलेंसिंग जो आपका सर्वर है वो इसको सर्वर टू पे राउट कर देता है जब वो सर्वर टू पे राउट हो जाता है अब सर्वर टू तो उस रिक्वेस्ट को हैंडल नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास तो वो इन्फॉर्मेशन नहीं है जो पहली रिक्वेस्ट में आपने भेजी थी जो सर्वर वन पे थी स्टेट तो सर्वर वन पे पड़ी है सर्वर टू स्टेट के पास वो है ही नहीं तो अब क्या करें जब इस तरह की सिचुएशन आती है तो फिर हम स्टेटलेस सर्विसेज की बात करते हैं स्टेटलेस सर्विसेज जो हैं और स्टेटलेस एप्लीकेशन जो हैं दे डोंट स्टोर एनी स्टेट ऑन सर्वर तो इसका क्या मतलब है कि वो हर बार आपको जो बेसिक इंफॉर्मेशन जो चाहिए उस सर्विस के साथ वो आपको या उस रिक्वेस्ट के साथ वो आपको नए सिरे से आपको भेजनी पड़ती है सो एनी डेटा दैट फ्लोज वे स्टेटलेस सर्विस इज टिपिकली ट्रांजिटरी एंड द स्टेट इज स्टोर्ड ओनली इन अ सेपरेट बैक एंड सर्विस लाइक अ डेटा बेस ट्रांजिटरी तौर पे जब वो शट डाउन हुआ वो नए सिरे से आपको करनी पड़ेगी सो so, आपकी जो माइक्रो सर्विसेज हैं कैन बी स्टेटफुल और स्टेटलेस जो आप अगर इसको कंपेयर करें तो जब अगर हम स्टेटलेस सर्विसेज़ uh, की बात करते हैं तो स्टेट दे रिक्वायर और रिक्वेस्ट आर सेल्फ कंटेंट इन स्टेटफुल इन सेल्फ स्टेटलेस सर्विस सेल्फ कंटेंट है पूरी रिक्वेस्ट जो है उसमें पूरा कॉन्टेक्स्ट शामिल है वेर एज इन द केस ऑफ स्टेटफुल मैसेजेस आर शॉर्टर क्योंकि उसमें वो जो रिक्वेस्ट में पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है वो पीछे से आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं स्टेटलेस बेटर फॉल्ट टॉलरेंस आपको देती है एक सर्वर डाउन हो गया आप दूसरे पे शिफ्ट हो सकते हैं स्टेटफुल में आपको ऐसा नहीं है लेकिन आपको बेटर परफॉर्मेंस मिलती है बिकॉज वो आपकी सारी इंफॉर्मेशन एक ही जगह पे वो पड़ी है तो उसको आप ज़्यादा आसानी से आपको हर बार इंफॉर्मेशन को ज़्यादा आपको प्रोसेस नहीं करना पहले से जो आप कर्ज कर, कर रख चुके हैं वो आपके पास पड़ी है डिस्क्रिप्टिव टेबल्स के, के लिए कोई स्पेस नहीं होती स्टेटलेस में जबकि स्टेटफुल में आप उसके फाइल लॉकिंग इज आल्सो पॉसिबल जो कि उसमें पॉसिबल नहीं है नंबर ऑफ ओपन फाइल्स स्टेटलेस में कोई देर इज़ नो लिमिट बिकॉज डिस्क्रिप्टिव टेबल्स है ही नहीं यहां पर आपके पास वो लिमिट है आ, लेकिन रीड अहेड एज पॉसिबल इन द केस ऑफ स्टेटफुल जो कि स्टेटलेस में वो चीज पॉसिबल नहीं है एंड स्टेटफुल स्टेटलेस जो है क्लाइंट अगर क्रैश कर गया कोई नहीं उसका कॉन्टेक्स्ट चला गया लेकिन वो हर बार जब भी नए सिरे से आएगा उसने सारी चीज नए सिरे से भेजनी है तो कोई फर्क को नहीं पड़ता वेयर एज इन द केस ऑफ स्टेटफुल ये चीज इतनी ऐसी आसान नहीं है माइक्रो ये एक बड़ी लंबी चौड़ी बहस है बहुत चल रही है कि स्टेटफुल हो होनी चाहिए कि स्टेटलेस होनी चाहिए आसान डिसीजन नहीं है लेकिन आजकल कल रुझान जो ज़्यादा है ट्रेंड वो स्टेटलेस का है लेकिन ये उस वक्त ज़्यादा यूज़फुल होती है जब आपके नंबर ऑफ़ यूज़र्स नंबर ऑफ़ कस्टमर्स आप ये कंसीव करें कि ये बहुत बढ़ जाएंगे तो इसके अपने प्रॉब्लम्स भी होते हैं limitations like in baral uh, microservices stateless this is the trend that a lot of people follow